भाइयों और बहनों, ये जो गमंडिया गठबंधन है, अखिलेश यादव जी की पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये कभी नहीं चाहते थे अयोध्या में राम मंदिर बने। मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक कांग्रेस पार्टी ने 70 साल तक राम जन्मभूमि के मुद्दे को अटका कर रखा, लटका कर रखा, भटका कर रखा। मोदी जी ने केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी। मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है, मोदी जी ने देश को समृद्ध किया है, मोदी जी ने एमएसपी पर आजादी के बाद सबसे ज्यादा खरीदी करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों और बहनों, आज मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आया हूं। 2014 में मैं भाजपा का प्रभारी था, मैं यहां आया था केराना से, मुजफ्फरनगर से, सहारनपुर से पलायन चालू हो गया था, यहां पर कोई सुरक्षित नहीं था। आपने 2017 में भाजपा की सरकार बनाई, योगी सरकार ने यहां पर गुंडों का आतंक बंद कर यहां पलायन रोका है और लोगों को सुरक्षित किया है। और इसके साथ साथ अब निर्दोष नागरिकों की जगह अब उत्तर प्रदेश से गुंडे पलायन करने लगे हैं। इस प्रकार की स्थिति उत्तर प्रदेश में बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है। भाइयों और बहनों, ये चुनाव में जो घमंडिया गठबंधन इकट्ठा हुआ है, 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करने वाले लोग इकट्ठा हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मोदी जी चौधरी चरण सिंह जी के गौरव समारोह में आए, उस दिन उन्होंने भ्रष्टाचारी बचाओ रैली बनाई और वो रैली में भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने की बात करी। मैं आज इस मंच से समग्र उत्तर प्रदेश की जनता को कहना हूं, 2014 में मोदी जी ने कहा था, जिन्होंने भ्रष्टाचार करा है वो जेल में जाएंगे, और 2024 में भी कह रहे हैं, जिसने भ्रष्टाचार किया है वो जेल की सलाखों के पीछे चले जाएंगे। मुझे बताओ, जिन्होंने 12 लाख करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया उनको जेल में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? जोर से बोलो, डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? भाई और बहनों, उनका मकसद परिवार के लोगों को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाना है। मोदी जी का मकसद देश के किसान, गरीब, मजबूत, दलित और आदिवासी को मजबूत बनाकर अपने पैर पर खड़ा रहना है। आज मुझे अंत में इतना बताइए, संजीव बालियान को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे क्या? अरे जोर से बोलो, जिताएंगे? बालियान आगे आओ आप जरा। संजीव बालियान ने मंत्री रहते हुए पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा काम किया है। संजीव बालियान को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे? 14 की 14 सीधे मोदी जी की झोली में डालेंगे? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे? 400 पार करेंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के विश्वास की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए,
भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।